नमस्कार, मैं मीनाक्षी शर्मा, हेलो मम्मी चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आ गई हूँ आपके बीच फिर से एक नई रेसिपी के साथ, जो है पालक पनीर। हमारे एक व्यूअर्स हैं, उन्होंने बोला था कि मैम आप पालक पनीर बनाकर दिखाइए, तो मैं आज आप लोगों के लिए पालक पनीर बनाने वाली हूँ और साथ में बच्चे भी खा लेंगे। और एक बात करनी थी आप लोगों से, आप लोगों का है ना बहुत सारा प्यार मिला है मुझे, बहुत ज़्यादा। और मैं कई बार सोचती हूँ कि एकदम से, मतलब जब मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की थी तो मुझे लगता नहीं था कि इतना सपोर्ट मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो भी लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, जो लोग कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और मुझे मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप लोगों का। और तो चलते हैं किचन में और देखते हैं पालक पनीर कैसे बनता है, और बहुत आसान तरीके से बताऊंगी जिससे आप लोगों को अच्छा लगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पालक पनीर। तो ये पालक मैंने धो के जो है धो लिया है, साफ़ करके धो लिया है, इस तरह से साफ़ किया है, थोड़ी थोड़ी इसकी डंडियाँ निकाल के इस तरह से, ठीक है, ये धो लिया है। और मैंने पानी उबलने चढ़ा दिया इसके लिए। हमें क्या करना है, पालक जो है ना पानी में डालकर एकदम से उबालना नहीं है, मतलब पहले ना पानी को उबालना है, उसके बाद हम पालक डालेंगे इसमें। तो इससे क्या होगा कि उसकी जो उसका जो कलर है हरा वो बना रहेगा। तो पानी थोड़ी बहुत देर में उबलने वाला है, तो इस तरह से पानी उबलने वाला है। और मैं अब इसमें पालक को ऐसे करके ट्रांसफर कर लूँ। पालक बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है, हम आधे पालक का पालक पनीर बनाएंगे और आधे पालक का सिंपल साग बनाऊंगी इनके लिए, जो इनको बहुत पसंद है पालक पनीर नहीं खाती। बस 2 मिनट के लिए हम छोड़ना है बस। मैंने ये प्लेट से रख दिया है। अगर कलर हमें हरा चाहिए तो हमें बिल्कुल भी ज्यादा नहीं उबालना है इसमें। ये 2 मिनट में उबाल चुकी हूँ और अब इसको ऐसे निकाल देती हूँ। अभी तो इसका कलर बिल्कुल हरा है और अगर ज्यादा उबल जाता है तो शायद कलर डिफरेंट हो जाता है इसका। इसी में थोड़ा ठंडा पानी डाल देंगे जिससे कि ये ज़्यादा ना पके, मतलब इसका टेम्परेचर डाउन हो जाए, तो इसका कलर अगर चेंज होना भी चाहेगा तब भी नहीं पाएगा। अब चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। और ये मैंने 2 बड़े प्याज ले लिए हैं और 3 से 4 हरी मिर्च थी इसके अंदर, और ये अदरक के टुकड़े हैं 2-3। इसी में मैं टमाटर डाल लेती हूँ, आज हम एक साथ बना लेंगे। अब पालक पीसते हैं। पालक पीस चुका है, अभी तो कलर बहुत अच्छा आ रहा है। ये कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने और ये थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल है, ये इतना, आप खाली रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। और मैं थोड़ा सा बटर डाल देती हूँ इसके साथ, अभी जलेगा नहीं क्योंकि मैंने थोड़ा सा कढ़ाई ज़्यादा गर्म नहीं हुई थी तभी डाल दिया। ये मक्खन गर्म हो चुका है और ये जीरा और हींग मैंने डाल दिया इसमें। और आज बहुत सुबह सुबह बन रहा है ये, क्योंकि रचना को गुड़गांव जाना है, तो मैंने सोचा मैं बनाई देती हूँ, इस बहाने वो लंच भी ले जाएगी अपना। तो इधर मैं जीरा डाल चुकी हूँ और अब मैं ना इसमें ये सूखे मसाले डालती हूँ। पहले तो ये धनिया है,
कम से कम ये एक फुल चम्मच था, ये हल्दी है आधा चम्मच, और ये गरम मसाला है आधा चम्मच, इस तरह से। घर का गरम मसाला है तो खड़े गरम मसाले डालने की जरूरत नहीं हुई है। और हरी मिर्च अदरक मैंने डाल रखा था, तो इतनी ही मिर्ची है घर की कुकिंग में। मैं कोशिश करती हूँ घर की चीजों से आप लोगों को सब्जियां बनाकर दिखाऊं। प्यूरी हमारी बन चुकी है और हमने प्याज भी डाली थी ना साथ में टमाटर के, तो हमने और अच्छे से इसलिए इसको भूना है। तो अब ये पालक है, अभी इसमें नमक नहीं डाला था मैंने, तो ये पहले तो इसमें थोड़ी सी घर की मलाई है ये ऐड कर देती हूँ, और इससे थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर आएगा इसका। और पालक पहले से ही नमक वाला होता है, तो हम प्यूरी के अनुसार और इसके अनुसार ये ऐसे डाल देते हैं। नमक कम ज़्यादा हो सकता है, आप स्वादानुसार उसको बढ़ा सकते हैं। तो अब हम इसमें पनीर ऐड कर देते हैं। पनीर को मैंने फ्राई नहीं किया है, मैं ऐसे ही डालती हूँ, क्योंकि ये जो फ्राइड पनीर होता है वो थोड़ा सा मुझे ऐसा फील होता है जैसे रबड़ की तरह लग रहा है, इस तरह से हम डाल देते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर टफ काम है तो वो इस टाइम का है कि जब ये उछल उछल के पकती है ना, तो सारे कपड़े मुँह भी जला सकती है आपका, तो थोड़ा सा ध्यान से अब इस टाइम पे इसको उबलने तक इस तरह से कर सकते हो, इस तरह से। और ये करीबन 7-8 मिनट मैंने पका लिया है, तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर इस टाइप का है, ठीक है। तो अभी हम इसमें क्या है कि थोड़ा सा बटर ऐड कर दूंगी, अब गैस को बंद कर देते हैं तो हम मेरा हाथ जाएंगे, ठीक है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं इस तरह से, और इतना बटर डाल देती हूँ, बाकी आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो अभी बस तड़के की तैयारी करते हैं। तो मैं तड़के की तैयारी करती हूँ, और मैं तड़का इसी में ही लगा दूंगी, जैसे रेस्टोरेंट वाले ऊपर से डाल के देते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपको आज पालक पनीर देने वाली हूँ, इस तरीके से और इस तरीके से। आप कह रहे हो बहुत ज्यादा बोलती हूँ, ठीक है। तो अब मैं तड़के की तरफ चलती हूँ, थोड़ा सा तड़का लगाने वाली हूँ, और मैं देसी घी का तड़का लगाऊंगी इस तरह से। तो ये साबुत मिर्ची है, मिर्ची का तड़का बहुत टेस्टी लगता है। सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाना कभी, और इसी में ही हम ये लाल मिर्ची का हल्का सा ही पाउडर, ये चलते हैं हम तड़के की तरफ। आप इसमें पनीर का जो कद्दूकस करके भी आप ऊपर से डाल सकते हैं, बट ये मेरा पालक पनीर तैयार है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, और इसमें आप थोड़ा सा बटर रख सकते हैं। आपको पालक पनीर पसंद आया होगा, और टेस्ट करके बताना कैसा बना है, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या कमी रही है। आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई करना, और आपको हर तरह की वीडियो मिलेगी, नॉलेजेबल, हेल्थ से रिलेटेड, फन, और ब्लॉग भी मिलेंगे और रेसिपीज़ भी मिलेंगी, और आप इसी तरह से हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। थैंक यू।